हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग जो है दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइम बज रहे हैं 3, और मैं इतने सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ फेंचने के लिए। 2-3 दिन से कपड़े जो है मैं फेंच ही नहीं रही थी, क्योंकि दोस्तों जो है सर भी नहीं था, ऊपर से ठंड इतना ज़्यादा लग रहा था कि कपड़े जो है फेंचने का मन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे कपड़े हो गए। डेली जो पहनते हैं और ऊपर से स्वेटर वेटर भी सबके रहते हैं। तो देखते हैं कि आज मैं फेंच लेती हूँ या नहीं। वैसे भी जिस काम को मैं शुरुआत करती हूँ उसे पूरा ख़त्म करके ही रहती हूँ, और यहाँ पर प्रीति अमृता जो है उन सबका टाइम हो गया है कोचिंग जाने का, तो अमृता पहले ही चली गई और उसके बाद प्रीति भी चली गई। और पीछे साइड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज सब आ गए हैं लकड़ी फाड़ने के लिए, क्योंकि घर पे एक भी लकड़ी नहीं है। पहले तो हम लोग जो है खोइया से खाना बना लेते थे, आराम से हमारा बन जाता था, लेकिन अब जो है खोइया भी हमारा ख़त्म हो गया है, तो खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो फिर मम्मी पापा से बोली पीछे साइड जो मोटी सी लकड़ी है चलिए आज उसे ही फाड़ देते हैं। तो फिर पापा आ जाते हैं उस लकड़ी को फाड़ने के लिए, और दोस्तों ये लकड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तभी जो है कोई फाड़ता नहीं थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। आज तो कुछ भी नहीं है, तो जिसके लिए पापा आ गए यहाँ पे फाड़ने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है। पहले तो पापा जो है इसमें छोटी हथौड़े और छिन्नी से होल कर रहे हैं, और उसके बाद बड़े वाले हथौड़े से इस पर जो है मार रहे हैं ताकि जो है ये फट जाए। और बाबू भी बीच में जो है परेशान कर रहा है, बाबा से कह रहा है इससे फाड़िए बाबा, उससे कीजिए। तो मम्मी बाबू को दूर कर देते हैं, क्योंकि चोट भी लग जाता है, छोटा है, तो इसलिए वह साइड में हो गया। और इधर पापा जो है फाड़ रहे हैं। और दोस्तों हमारा गैस है, आप लोग जान रहे हैं, तो उसे भी 1 महीना होने वाला है, कभी भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सोचे थोड़ा चूल्हे पे बनाए, थोड़ा उस पर बनाए, ताकि जो है हमारा गैस भी चले। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं, उतना मेहनत करने के बाद जो है उतनी सारी लकड़ियां पापा फाड़े, फिर मम्मी जो है पापा को मना करती हैं, रहने दीजिए अगले दिन फाड़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जल्दी फटता भी नहीं है, और उतनी सारी लकड़ियां दोस्तों हैं तो हम लोग 2-3 दिन जो है काम चला लेंगे, क्योंकि एक टाइम में हम लोग जो है एक ही लकड़ियाँ लगाते हैं। तो उधर पापा जो है सारी लकड़ियाँ फाड़ दिया, और इधर देख सकते हैं मेरे कपड़े भी लगभग फिंच आ गए, बस बच गए ये बाबू का जैकेट, तो इसे भी मैं फिंचने में लग गई हूँ। और छोटे बच्चों का दोस्तों कोई भी कपड़ा रहता है काफ़ी गंदा हो जाता है, जल्दी छूटता ही नहीं है। तो उधर 2-3 दिन लगातार जो है बाबू ये जैकेट पहन लिया था, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, तो हम लोग जो है स्वेटर के ऊपर बाबू को पहना दिए थे, तो काफ़ी गंदा हो गया था, तो जल्दी छूट नहीं रहा है, बड़े मुश्किल के बाद जो है साफ़ होता है। और इधर पापा जो है आग सेक रहे हैं, मम्मी आग जला दी थी, और मेरे कपड़े भी फाइनली दोस्तों फिंच आ गए हैं। अब तो हाथ पैर जो है काम ही नहीं कर रहे, एकदम जो है सुन हो गया है, ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी जो है जाकर आग के पास बैठ जाऊं, लेकिन जा नहीं सकती हूं, क्योंकि अभी मेरे कपड़े फिंचाए हैं, धुलाए नहीं हैं, मुझे धुलना भी है। तो बस मैं उठ जाती हूं और पानी भरती हूं और फटाफट दोस्तों धुलने में लग जाती हूं। हाथ तो एकदम काम ही नहीं कर रहा, कंधा उंधा पूरा जो है दर्द करने लगा, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, लेकिन मैं कहती हूँ ना जिस काम को मैं ठान लेती हूँ उसे पूरा करके ही रहती हूँ। तो फाइनली दोस्तों कुछ समय बाद जो है मेरे सारे कपड़े धुला गए, और इधर मैं जो है स्वेटर जो ऊनी वाले हैं एक साइड रख दी हूँ टब में धुल कर, ताकि जो है मुझे फैलाने में भी आसानी रहे, और जो डेली कपड़े पहनते हैं उसे मैं बाल्टी में धुल कर रखूँगी। और इधर देख सकते हैं प्रीति भी जो है कोचिंग से आ चुकी है, और इस टाइम बज रहे हैं 4, और इतने सारे कपड़े फेंचते फेंचते मेरा जो है मशीन का गड्ढा भी भर गया है। यही होता है हमारे साथ, एक समस्या टलती नहीं तब तक दूसरा शुरू हो जाता है। दोस्तों मेरे सारे कपड़े जो है फिंचा गए, और मैं छत पे चली गई फैलाने के लिए, और इधर प्रीति जो है आ गई बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि आज उसका स्कूल भी था, तो स्कूल से आई काफ़ी लेट हो गया, और सीधे जो है चली गई थी कोचिंग, और कोचिंग से आने के बाद जो है वह अपना बर्तन धुलती है, और इधर मैं जो है आग सेक रही थी, और आग के पास काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मुझे पता भी नहीं था कि दीदी वीडियो बना रही, तो मुझे हंसी आ जाती है। और उसके बाद दोस्तों मन कर रहा था कि जाकर बिस्तर में सो जाऊँ, लेकिन कैसे सो सकते हैं,
अभी तो भोजन भी बनाना है, तो फिर हम लोग आ जाते हैं किचन में भोजन बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो है ढेर सारा आलू कुकर में उबाल लिए हैं, क्योंकि आज हमारे घर कुछ स्पेशल बनेगा। तो उधर दीदी जो है आलू को निकाल रही हैं, और दूसरी साइड में आ जाती हूँ आटा गूंथने के लिए। और आटा भी दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा ली हूँ, इतना आटा कभी आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा जितना मैं रोटियाँ बनाती हूँ, लेकिन आज जो है ज़्यादा ली हूँ। कुछ लोग तो पहले गेस कर लिए होंगे कि क्या बन रहा है, और कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो दोस्तों आज हमारे घर जो है आलू वाला पराठा बनेगा, तो जिसके लिए जो है इतना सारा मतलब सामग्री हम लोग लिए हैं। आलू भी ज़्यादा है, आटा भी ज़्यादा है, क्योंकि जितना हम लोग जो है बनाते हैं उतना शाम में भी खा लेते हैं, और कुछ बच जाता है तो उसे हम लोग जो है सुबह में भी सेक कर खा लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो है डेली तो बनता नहीं है, कभी काल ही बनता है, हफ्ते या दो हफ्ते बाद ही बनते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जब भी बनता है बहुत सारा बनता है। तो उधर दीदी आलू छिल चुके हैं, और इतना सारा सामान फैलाकर मैं जो है इसमें से मिर्चे ढूंढने लग जाती हूँ। तो फाइनली दोस्तों मुझे मिर्चे मिल जाते हैं, और फिर मैं आ जाती हूँ सिलबट्टे पे पीसने के लिए। तो दोस्तों आज हमारे घर जो है छौका ओका जो है लगा कर नहीं बनेगा, क्योंकि धनिया की चटनी पीसेंगे और आलू में जो है मैश कर देंगे। ऐसे ही बनाएंगे सिंपल तरीके से आलू का पराठा, क्योंकि ऐसे जो है खाने में टेस्टी भी लगता है, और ठंड में ही ज़्यादातर ये वाला जो है खाया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा चटनी पिसा कर रेडी हो गया है, आप लोग भी देख सकते हैं एकदम हरा हरा और अच्छा भी लग रहा है देखने में। और आलू भी हमारा रेडी है, तो इसमें हम लोग स्वादानुसार नमक ऐड कर लेते हैं, और जो सिलबट्टे पे पीसी थी धनिया तो उसे भी ऐड कर लेती हूँ, और इसे जो है अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं, और फिर बनाएंगे पराठे। तो हमारा सारा सामग्री रेडी हो चुका है पराठा बनाने के लिए। तो फिर दीदी आ जाते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। पहले तो हम लोग सोचे थे कि मोटी वाली जो है बनेगा पराठा, जो मम्मी पहले बनाई थी, जिसे हाथ रोटी कहते हैं, यानी हाथों से ही बनाया जाता है। तो हम तो वही सोचे थे बनाने के लिए, फिर बाद में जो है तेल आ गया तो अमृता प्रीति जिद करने लगी कि नहीं हमें पतला वाला चाहिए, मोटा हम लोग नहीं खाएँगे। फिर दीदी वही जो है पतला जो है बनाती हैं, लेकिन दोस्तों हमें जो है डबल मेहनत करना पड़ जाता है, क्योंकि हम तो पहले सोचे थे मोटी वाली बनेगी, तो जिसके लिए मैं नॉर्मल आटा सानी थी, लेकिन जब ये पतला वाला बनाया जाता है तो उसके लिए जो है आटा भी पतला रहना चाहिए, थोड़ा गीला टाइप, ताकि जो है अच्छे से पराठा बन जाए। तो फिर मैं दोबारा से आटा को गूंथती हूँ और पतला करती हूँ, और ये आटा दोस्तों ना जाने कैसा है, रबड़ के जैसे जो है तनता जा रहा था, और अच्छे से जो है गूंथा भी नहीं रहा था, बड़े मुश्किल से जो है गूंथाया है। और फिर दीदी जो है बनाना शुरू करती हैं। और ये वाला पराठा किन किन लोग को अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएगा, हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है, और हमारे घर के जो है सारे लोग बहुत ही मन से खाते हैं। और दोस्तों मोटी वाली रोटी भी जो है दीदी दो बनाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा को जो है मोटी वाली बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ दोस्तों मुझे जो है यहाँ पे एक बात भी याद आ जाती है, कुछ लोग का कहना है कि अकेले ही तुम ही सारा काम करती हो और तुमसे ही क्यों करवाया जाता है। तो चलिए मैं उन लोग को बता देती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे ही सारा काम नहीं करवाया जाता है। हमारे यहाँ जो भी काम रहता है सारे लोग जो है अपना अपना काम करते हैं, और जो भी काम बड़ा रहता है तो मिलजुल कर ही किया जाता है। ये नहीं होता है कि बस अकेले ही तुम्हें ही सारा काम करना पड़ता है। जैसे मैं आप लोगों ने देखा कि मैं कपड़े भेज ली थी, फिर प्रीति को जो है बर्तन धुलना रहता है तो वह बर्तन धुल लेती है, और उसके बाद दोस्तों खाना पीना की बात रह गई है, तो हम दीदी जो है मिलजुल कर ही हमेशा खाना बनाते हैं। तो बस दीदी उधर जो है पराठा गर्म गर्म बनाती हैं, और इधर मुझे मन करता है खीर खाने के लिए, तो मैं आ जाती हूँ यहाँ गैस पे खीर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे जो है पराठे के साथ ये दूध वाला खीर बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जब भी मेरे घर पराठा बनता है तो मैं पहले खीर ही बनाती हूँ। तो कुछ समय बाद दोस्तों हमारा भोजन बनकर रेडी हो गया है, तो ये प्लेट स्पेशली मैंने आप लोग के लिए लगाया है, तो आइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का भोजन कैसा बना है। और वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।